Hello everyone, good morning. My name is Dr. Lalit. I welcome you all in the Byju's exam prep, the most comprehensive preparation app for all exams. और आज के सेशन में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ RT-PCR. तो हर कोई तो अवेयर होगा ही RT-PCR से, क्योंकि कोविड के एक दौर से भी निकल कर आए हैं और कोविड में मेन टेस्टिंग जो सिस्टम था हमारा वो RT-PCR ही था. ठीक है, तो सभी लोग जो हैं काफ़ी अवेयर भी होंगे इससे कि RT-PCR जो है वो कितनी ही एक इम्पोर्टेंट टेक्निक्स थी हमारी. ओके, चलिए तो डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं फिर इसको हम ना. ओके चलो, तो जस्ट गिव मी मिनट स्टूडेंट्स. ओके चलिए स्टार्ट करते हैं. ठीक है चलो. हेलो रूही, गुड आफ्टरनून एवरीवन. चलिए फिर स्टार्ट कर. देखो RT-PCR एक नाम से हम लोगों को क्लियर भी है कि RT-PCR टेक्निक्स है क्या हमारी. तो RT-PCR जो है हम लोग जब यूज करते हैं, मैं इसके बारे में डिस्कशन करूंगा डिटेल में आज आगे कि RT-PCR का यूज क्या है और क्या बेसिक प्रिंसिपल है RT-PCR का, तो वो ही सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ. पर उससे पहले आप लोगों के लिए एक मैसेज है कि जैसे ही मेरा ये यूट्यूब का सेशन खत्म होगा तो देर विल बी ए लिंक फॉर क्विज, और अगर आप उसको अटेम्प्ट करते हो तो यू कैन विन एक्साइटिंग प्राइजेस. इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करता हूँ, जो हमारे ये टारगेट सीरीज चल रही है यूट्यूब पर, इस टारगेट सीरीज में जो मेरी क्लासेस की टाइमिंग है वो है दोपहर को 12 बजे, मंडे वेडनेसडे एंड थर्सडे, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं. और बाकी और अगर लाइफ साइंस की फैकल्टी की बात करो तो सेम टाइमिंग सर आपकी क्लास होती है, लेकिन डेज जो है वो डिफरेंट है, तो आप लोग जो है अकॉर्डिंग टू द क्लासेस जो है ज्वाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करता हूँ, सेम हम लोगों ने एक जो बायजूस एग्जाम प्रैप ऐप है हमारा, वहाँ पर एक बिगनर सीरीज जो है चला के रखा हुआ है. बिगनर सीरीज बेसिकली हम लोग उन स्टूडेंट के लिए चला कर रखा हुआ है, दैट इज कम्प्लीटली फ्री सीरीज, और जो स्टूडेंट आने वाले एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं ये केवल ऐप पर है हमारी. तो आप जितने लोग भी जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं आने वाले एग्जाम के लिए, तो वो इस बिगनर सीरीज को जरूर ज्वाइन करें जो कि होती है हमारी बायजूस एग्जाम प्रैप ऐप पर. टाइमिंग्स मैं आपको बता देता हूँ, मेरी जो टाइमिंग्स है मंडे एंड फ्राइडे 11 AM पर होती है, और बाकी फैकल्टी क्लासेज भी जो है वो 11 AM पर होती है. जैसे फरीदा मैम की क्लास जो है वो सैटरडे को होती है, और निलोफर मैम की जो क्लास है वेडनेसडे एंड थर्सडे को होती है. तो ये सारे जो है हमारे क्लासेस के टाइमिंग्स हैं. ओके तो ठीक है, चलिए आगे डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं. इसके अलावा जो हमारा बायजूस एग्जाम प्रैप ऐप है वहाँ पर आप लोग जो है बहुत सारे रिकॉर्डेड वीडियोस भी देख सकते हैं. वो रिकॉर्डेड वीडियो हाई क्वालिटी वीडियोस हैं, इन डेप्थ कंसेप्चुअल कवरेज वहाँ पर कवर होता है, 50+ वीडियोज जो है आपके अवेलेबल है. ठीक है चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना RT-PCR को. तो देखो RT-PCR क्या है, तो बेसिकली जब हम बात करते हैं नॉर्मल PCR की, तो PCR एक टेक्निक है. अभी RT-PCR की बात नहीं मैं उसे कर रहा हूँ. नॉर्मल PCR क्या है? PCR स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी भी एक DNA फ्रेगमेंट को एम्पलीफाई कर सकते हैं. एम्पलीफाई का मतलब, लेट्स से वी हैव सर्टेन नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ अ DNA और हमें उसको जो एम्पलीफाइड करना है. एम्पलीफाइड करने के हमारे रीजंस बहुत सारे सकते हैं, सच एज वी हैव टू परफॉर्म सम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, या फिर जो है हमें एनालिसिस करना है, हमें सिक्वेंसिंग करनी है. ईच एंड एवरी केस वी नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ DNA एंड दैट कैन बी एम्पलीफाइड बाई यूजिंग दिस PCR टेक्निक. ओके सो बेसिकली PCR टेक्निक के लेकिन एक ड्रॉबैक है. जब आप PCR टेक्निक में DNA को एम्पलीफाई करते हो तो कंप्लीट रिएक्शन को होने के बाद देन यू कैन ओनली क्वांटिफाई द DNA एंड देन यू कैन रन दिस पर्टिकुलर DNA ऑन जेल, और वहां पर आप जो है उसको क्वांटिफाई या उसकी जो एक्सप्रेशन है या जो कितना हमारा एम्पलीफिकेशन हुआ है उसको हम लोग चेक कर सकते हैं. बट हम लोग रियल सिनेरियो में जब हमारा DNA एम्पलीफाई हो रहा है, हम नहीं चेक कर सकते हैं कि DNA कितना हमारा एम्पलीफाई हुआ है. ओके तो इस चीज के लिए जो हमारा रियल टाइम PCR है, जिसको हम जो कभी कभी जो है qRT-PCR भी बोलते हैं, इस रियल टाइम PCR एक टेक्निक है जिसके थ्रू हमें रियल टाइम में पता लग जाता है कि कैसे कैसे हमारा DNA जो है एम्पलीफाई हो रहा है. क्योंकि जब हम उसको रन करते हैं तो हमारे पास जो मॉनिटर होता है जहां पर एक स्क्रीन हमारी चल रही होती है, वो स्क्रीन हमें एक पीक की फॉर्म में जो है सिग्नल देती है कि ये पर्टिकुलर सैंपल में ये DNA जो है आपका एम्पलीफाई होना स्टार्ट हो गया है. तो हम लोग रियल टाइम में उसको चेक कर सकते हैं. ठीक है, और बाद में हम लोग जो है उसको एनालिसिस भी कर सकते हैं बाकी और कंपेयर, जो हमारे पास बाकी और सैंपल्स हैं उनके कंपैरिजन में. जैसे हम लोग जब RT-PCR टेस्टिंग कराते थे कोविड के केस में, हम लोग क्या करते थे, हम लोग जो है चेक करते थे वहां पर कि किसका CT वैल्यू कितना है. तो CT वैल्यू कैसे आता था हमारे सामने, वो भी आज डिस्कस करूंगा आप लोगों से, और ये सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा धीरे धीरे. मैं आपसे जो है एक बेसिक से लेके हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे और चीजों को डिटेल में डिस्कस करते हुए जाएंगे. ठीक है, तो आप समझ गए कि रियल टाइम PCR में और नॉर्मल PCR में क्या डिफरेंस है. देखो दोनों का प्रिंसिपल भी हमारा सेम ही है, बस डिफरेंसेस क्या है कि जो RT-PCR होता है जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR भी बोलते हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक है, रियल टाइम में हम लोग जो है एनालाइज कर सकते हैं,
उसमें जो सोर्स सैंपल हो सकता है हमारा, वो सोर्स सैंपल होता है हमारा एक आरएनए, ठीक है। उस एमआरएनए से हम लोग पहले एक सीडीएनए बनाते हैं एंड देन उस सीडीएनए को जो है हम एम्पलीफाई करते हैं, ठीक है। जब हम इसको इसका एम्पलीफिकेशन करते हैं तो एम्पलीफिकेशन के टाइम पर हमें रियल टाइम में दिखता है कि कितना हमारा डीएनए जो है एम्पलीफाई हो रहा है। चलिए उसकी बेसिक टेक्निक्स को डिस्कस करते हैं। तो रियल टाइम पीसीआर टेक्निक क्या है, मैंने आपको बता दिया। इट इज अ टेक्निक दैट इज यूज्ड टू मॉनिटर द प्रोग्रेशन ऑफ पीसीआर इन रियल टाइम। जैसे ही आपकी रिएक्शन चल रही है वैसे ही जो है हम लोग उसको चेक कर सकते हैं कि एम्पलीफिकेशन कैसा हो रहा है, ओके। लेकिन हमें पता कैसे लगता है कि एम्पलीफिकेशन कैसे हो रहा है? जैसे हम लोग बात करें एक नॉर्मल पीसीआर रिएक्शन की, तो नॉर्मल पीसीआर में क्या किया हमने, एक रिएक्शन लगा दिया, हमने अपना सैंपल डाला, हमने जो है जो रिक्वायर्ड न्यूक्लियोटाइड्स थे वो वहां ऐड किए, जो रिक्वायर्ड एंजाइम्स थे, रिक्वायर्ड रिएजेंट्स थे, वो सब वहां ऐड किए और हम वेट कर रहे हैं कि हमारा डीएनए एम्पलीफाई होके आएगा। देन उसको हम लोग जेल पे रन करेंगे या जो है हम उसको जो है एक स्पेसिफिक टेक्निक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से क्वांटिफाई कर लेंगे कि डीएनए का अमाउंट कितना आ गया है, ठीक है। लेकिन रियल टाइम पीसीआर में हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग उसको रन कर रहे हैं तो हमें रियल सिनेरियो में वो पीक हमें अप और डाउन जाती दिखाई देगी। तो वो पीक हमें कैसे मिलती है, क्योंकि यहां पर हम एक स्पेसिफिक रिपोर्टर मॉलिक्यूल को यूज करते हैं जो कि कोई फ्लोरोसेंस हमें दे रहा होता है, जैसे टैगमैन प्रोब हो गया, साइबर ग्रीन हो गया, इवन इथिडियम ब्रोमाइड भी यूज करते हैं लोग। तो ये कुछ हम लोग पर्टिकुलर रिपोर्टर मॉलिक्यूल्स को यूज करते हैं, वही रिपोर्टर मॉलिक्यूल हमें रियल टाइम में बताता है कि डीएनए जो है इस फॉर्म में आपका एम्पलीफाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हम लोग रियल टाइम में चेक कर सकते हैं। चलिए आगे डिस्कशन करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारा रियल टाइम पीसीआर है वो यूज किसके लिए होता है। देखो प्रिंसिपल हो गया और बाकी चीजें हो गई, वो मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि इसका यूज क्या है। आप लोगों को पता ही है कि जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस में हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, कैंसर रिसर्च में ये यूज होता है, ड्रग रिसर्च में ये यूज होता है, किसी भी डिजीज के डायग्नोसिस या मैनेजमेंट में हम लोग उसको यूज करते हैं, जैसे वायरल क्वांटिफिकेशन हो गया, ओके। इसके अलावा हम जो है इसको फूड टेस्टिंग में भी यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जहां पर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही एक शानदार टेक्निक है जो आपको रियल टाइम में एम्पलीफिकेशन के बारे में बताती है। इसके अलावा एनिमल और प्लांट ब्रीडिंग में भी अगर आपको जीन कॉपी नंबर को आइडेंटिफाई करना है तो यू कैन यूज आरटीपीसीआर, ओके। तो दीज आर द टेक्निक जो हम लोग यूज करते हैं और दीज आर द लाइक यूजेस ऑफ आरटीपीसीआर। अब हम बात करते हैं बेसिक उसके प्रिंसिपल की कि ये काम कैसे करता है, ये आरटीपीसीआर काम कैसे करता है। तो आरटीपीसीआर काम कैसे करता है उसके लिए हमें पहले जानना होगा कि पीसीआर कैसे काम करता है, ठीक है। मतलब एक जनरल जो बेसिक पीसीआर है वो कैसे काम करता है, जब हम उसको समझेंगे तब हम जो है उसमें ऐड करेंगे कि रियल टाइम जो है इसमें क्या क्या और एडवांटेज हमें दे रहा है, ओके। चलिए तो बात करते हैं हम लोग आगे। जब हम एक नॉर्मल पीसीआर की बात करते हैं, नॉर्मल पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बात करते हैं, तो लेट्स से मेरे पास एक डीएनए सैंपल है, ये इस डीएनए सैंपल को मुझे एम्पलीफाई करना है, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास क्या क्या होना चाहिए, मेरे पास स्पेसिफिक प्राइमर्स होने चाहिए। प्राइमर जो है शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं मेरे भी किसी टारगेट जीएनए के सीक्वेंस के, ताकि वो जाके बाइंड करे। प्राइमर का एक ही रोल होता है कि वो जो हमारा मेन एंजाइम जो हम यूज करने वाले हैं पीसीआर में डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए, उस एंजाइम की एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है डीएनए सिंथेसिस के लिए, और वो है हमारा 3'OH का होना। तो 3'OH को प्रोवाइड करने के लिए हम लोग प्राइमर को यूज करते हैं, बिकॉज विदाउट प्राइमर डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट इनिशिएट द डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। तो उसमें हम लोग जो भी, इसके अलावा हमें जो कि वहां पर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना है हमें, तो हम जो है फ्री फॉर्म में वो डीएनटीपीज भी वहां ऐड करते हैं, ओके। रिएक्शंस कुछ कैसे होती हैं कि ये मेरा सपोज जो मेरा जीन ऑफ कंसर्न है या मेरा डीएनए है जिसको मुझे एम्पलीफाई करना है, ठीक है, तो मैं क्या काम करूंगा, वो अपना एक रिएक्शन मिक्सचर बनाऊंगा जिसमें मैं अपना पर्टिकुलर डीएनए ऐड करूंगा, इसके अलावा डीएनटीपीस मुझे वहां ऐड करने हैं, मुझे प्राइमर्स वहां ऐड करने हैं, और जो भी रिक्वायर्ड एंजाइम है वो मैं वहां ऐड करूंगा जैसे हम लोग जो है नॉर्मल केस में टैग पॉलीमरेज हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जब हम टैग पॉलीमरेज को यूज करते हैं तो सबसे पहला रिएक्शन हमारा क्या होता है, वो होता है डिनेचुरेशन, यानी कि जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसको पहले हम डिनेचर करेंगे। डिनेचर करने के बाद, डिनेचर का मतलब होता है कि जो दो स्ट्रैंड आपके एंटी पैरेलल रन कर रहे हैं उनके बीच जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स हैं हम उनको ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने के बाद जब वो ब्रेक हो जाएंगे तब जाके हम कहीं प्राइमर जो है उसमें ऐड करेंगे, और प्राइमर ऐड करने वाले स्टेप को हम बोलते हैं एनीलिंग, ठीक है। अब ये एनीलिंग क्या है, एनीलिंग एक डिफरेंट टेम्परेचर पर होती है, हमारा डिनेचुरेशन एक डिफरेंट टेम्परेचर पर हुआ है। एनीलिंग जो है वो किस टेम्परेचर पर होगी ये डिपेंड करता है हमारा कि प्राइमर में जो जीसी कंटेंट है वो क्या है,
ठीक है। तो अलग अलग प्राइमर के अलग अलग जो है आपके अनिलिंग टेम्परेचर होता है। अनिलिंग का हमारा मेन पर्पज होता है कि हमारा प्राइमर जो है, जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारा बना है, उससे जाके बाउंड कर जाए। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग मूव करते हैं। यहां पर देखिए, तो लेट से मेरा एक प्राइमर जो है यहां इस डायरेक्शन में बाउंड कर गया, एक प्राइमर मेरा यहां बाउंड कर गया। ठीक है, जो 3' OH फ्री मिला है, यही 3' OH को हमारा डीएनए पॉलीमरेज एक्सटेंड करेगा और आपको एक दूसरा कॉपी नंबर ऑफ डीएनए मिलेगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा नॉर्मल एक पीसीआर में हो जाता है, वो होता है हमारा एक्सटेंशन। ठीक है, ये सब हो गया। एक्सटेंशन के बाद यही एक्सटेंशन जब होता रहेगा तो ये साइकिल जो है रिपीट होती रहेगी। यानी कि एक बार पूरा डीएनए सिंथेसाइज हो गया, सिंथेसिस के बाद फिर से हम इसको डीनेचर करेंगे, फिर से एनीलिंग करेंगे और फिर से हम एक्सटेंशन करेंगे। तो इस तरीके से हमारे जो कॉपी नंबर्स हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, तो जब ये कॉपी नंबर हमारे इंक्रीज होते जाएंगे तो उस केस में हमें एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डीएनए आफ्टर सर्टेन साइकिल जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो इस तरीके से हमें जो है हर एक साइकिल के बाद, जैसे 2 साइकिल के बाद हमें 4 कॉपीज मिल जाएंगी, 3 साइकिल के बाद हमें 8 कॉपीज मिल जाएंगी, उसी तरह जितने भी साइकिल्स हमारी जो है जाती जाएंगी, उसी तरीके से हमें जो है आपको इस तरीके की कॉपी नंबर जो है वो मिलते चले जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रियल टाइम पीसीआर में क्या होता है। तो मैंने आपको अभी कुछ स्टेप्स बताए। नॉर्मल पीसीआर में क्या होता है, डिनेचुरेशन आपका होता है, एनीलिंग आपका होता है, एक्सटेंशन आपका होता है और साथ साथ में आपका फिर डिटेक्शन होता है कि कितना अमाउंट हमारा डीएनए का बन गया है। रियल टाइम पीसीआर में क्या होता है कि रियल टाइम पीसीआर में जब हम ये आपका ओके गुड, गेट के एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं, दैट्स ग्रेट। ओके, तो रियल टाइम में हम जब बात करते हैं, ये जो हमारा डीएनए एम्पलीफाई हो रहा है, इसको हम ऑन स्पॉट जो है क्वांटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम देख सकते हैं। तो देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक फ्लोरेसेंस मार्कर को हम लोग यूज करते हैं, जो कि हमें जैसे जैसे हमारा डीएनए एम्पलीफाई होता जाएगा, रिएक्शन सेम ही रहेंगी, जो कि हम लोग नॉर्मल पीसीआर में जो हमारी रिएक्शन थी, यानी कि आपका डिनेचुरेशन था, आपका जो है एनीलिंग था, ठीक है, आपका जो है प्राइमर एक्सटेंशन था, उसके एक्सटेंशन था, उसके बाद जो है वापस से आप रिपीट कर रहे थे रिएक्शन को, तो वही सारी रिएक्शन सेम प्रोसेस सेम रहेगा, प्रिंसिपल सेम रहेगा, बट एडिशनली यू आर यूजिंग अ फ्लोरोसेंस मार्कर जो आपको बताएगा कि एग्जैक्टली कितना आपका डीएनए एम्पलीफाई हुआ है। हम लोग मोस्ट कॉमनली 2 मार्कर यूज करते हैं, एक है टैगमैन प्रोब, एक है आपका साइबर क्रीन। ठीक है, ये टैगमैन प्रोब क्या है और ये साइबर क्रीन क्या है, इसके थोड़ा प्रिंसिपल को हम लोग समझ लेते हैं। साइबर क्रीन जो है एक स्पेसिफिक डाई है जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए से बाइंड करती है मेजर ग्रुप में। ठीक है, ये तभी बाइंड करेगी जब डीएनए आपका डबल स्टैंडर्ड होगा। जितना ज्यादा आपका सैंपल में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, उतनी ही ज्यादा ये साइबर ग्रीन जो है आपका बाउंड करेगी जाकर डीएनए से। ठीक है, तो लेट्स से मेरे पास शुरुआत में मैंने एक सैंपल से स्टार्ट किया, और जब मैंने सैंपल से स्टार्ट किया तो मैंने वही डिनेचुरेशन किया, एनीलिंग किया और उसके बाद एक्सटेंशन मेरा हुआ। तो जितना ज्यादा मेरा डीएनए एम्पलीफाई होता जाएगा, उतनी ही ज्यादा आपकी साइबर ग्रीन जो है बाउंड करती जाएगी, और फिर हम एक स्पेसिफिक जो है एक एक्साइटेशन लाइट को यूज करके हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रा को चेक कर लेंगे कि कितना एमिशन हमें कितना फ्लोरोसेंस किस पर्टिकुलर सैंपल से हमारा आ रहा है। ठीक है, जितना ज्यादा आपका फ्लोरोसेंस का लेवल इंक्रीज होता जाएगा, दैट मींस उतना ही ज्यादा आपका डीएनए जो है वो एम्पलीफाई होता जा रहा है। तो रियल टाइम में हम इस चीज को एक पीक के थ्रू जो है वो डिस्कस करते हैं। वो मैं आगे जब आपसे सिटी वैल्यू को डिस्कस कर रहा हूँ तब बताऊंगा कि वो पीक कैसे हम लोग जो है डिटेक्ट करते हैं। सिमिलरली जो टैगमैन एसए है या टैगमैन प्रोब है, वो भी कुछ इसी तरह के प्रिंसिपल पे काम करता है, लेकिन वहां डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि वो जो टैगमैन हम लोग यूज कर रहे हैं वो 2 तरीके के मॉलिक्यूल को एक्सप्रेस करता है। एक एंड पर जो है वो आपका एक रिपोर्टर मॉलिक्यूल को एक्सप्रेस कर रहा है, रिपोर्टर मॉलिक्यूल यानी कि वो मॉलिक्यूल जो हमें फ्लोरोसेंस देगा, और एक होता है क्विंचर। क्विंचर का मतलब यह है कि वो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से जो भी फ्लोरोसेंस आपकी एमिट हो रही है उसको क्विंच करके रखेगा, उसको एक्सप्रेस नहीं होने देगा जब तक वो दोनों पास पास में है। ठीक है, लेकिन अगर वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं या वो दोनों दूर दूर हो जाते हैं, तो उस केस में आपको जो है रिपोर्टर जीन फ्लोरोसेंस की फॉर्म में फ्लोरोसेंस देगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कैसे होगा पॉसिबल। देखो इसमें होता क्या है कि मान लीजिए ये मेरा एक टैगमैन प्रोब है, इस तरीके से ये आपस में डबल स्टैंडर्ड बाइंडेड है। एक एंड पर मेरा रिपोर्टर है अटैच है, एक एंड पर मेरा क्विंचर अटैच है। ये एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए फॉर्म में है। ये टारगेट जीन का एक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हमारा होगा। जैसे ही आपका डीएनए एम्पलीफाई होता जाएगा, जितना उतना ही ज्यादा जो है हमारा यह टैगमैन प्रोब उससे बाउंड होता जाएगा, और जब ये उससे बाउंड होता जाएगा तो जो रिपोर्टर और जो क्विंचर है उनके बीच में आपको एक जो है गैप भी मिलेगा, और साथ साथ में जब एम्पलीफाई होगा वो डीएनए तो उस केस में उसको ब्रेक भी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि सिग्नल को जो क्विंच करने वाला हमारा क्विंचर है, अब वो रिपोर्टर के साथ नहीं है। जब वो रिपोर्टर के साथ नहीं है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको जो है एक सिग्नल मिलेगा जब आप उस रिपोर्टर को किसी एक स्पेसिफिक
लाइट से एक्साइट करते हो तो आपको एक फ्लोरोसेंस मिलती है। वही फ्लोरोसेंस को जो स्पेसिफिक डिटेक्टर्स होते हैं वो डिटेक्ट करके आपको एक सिग्नल देते हैं। तो ये हो गया हमारा इनके प्रिंसिपल के बारे में। थोड़ा और डिटेलिंग हम लोग इसकी जान लेते हैं, जैसे टैगमैन प्रोब क्या है। तो मैंने आपको बताया टैगमैन प्रोब जो है वो एक हाइड्रोलिसिस प्रोब है जो कि एक रिपोर्टर डाई को कैरी करता है, ठीक है, जो कि बेसिकली आपका एक फ्लोसासीन होती है जैसे एफएएम है जो कि 5 प्राइम एंड पर आपके अटैच है, एक क्विंचर है आपका टमारा, ठीक है, टेट्रामिथाइल हाइड्रोडोमीन ये 3 प्राइम एंड पर अटैच है एक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन में ये जो प्रोब है वो कॉइल्ड कॉइल्ड फॉर्म में आपस में जुड़ा रहेगा। इससे क्या होगा, इससे जो आपका आपका जो क्विंचर है और आपका जो रिपोर्टर आपका मॉलिक्यूल है वो एक साथ है, ठीक है। तो क्विंचर जो है डाई से जो भी एमिशन सिग्नल एमिशन होने वाला है फ्लोरोसेंस का उसको नहीं अमिट होने देगा, ठीक है। जब वो अमिट नहीं होगा आपका तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका सिग्नल नहीं आएगा। लेकिन डीएनए जो टारगेट जीन है आपका जैसे जैसे वो एम्पलीफाई होता जाएगा वैसे वैसे ये टैगमैन प्रोब टैगमैन जो है उसे जाके बाउंड करेगा और बाउंड करने के बाद एक स्पेसिफिक वे में क्विंचर को आपका जो हमारा जो रिपोर्टर डाई है उससे ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद एक सिग्नल जनरेट होगा। और जितना ज्यादा नंबर ऑफ टारगेट आपका जो जीन है टारगेट डीएनए वो एम्पलीफाई होगा उतना ही ज्यादा आपका जो है टैगमैन प्रोब जो है हमारा उसमें क्विंचर जो है वो वहां से डिसोसिएट हो जाएगा या दूर हो जाएगा आपके रिपोर्टर जीन से और आपको एक सिग्नल जो है एम्पलीफाई होता दिखाई देगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको जो है वहां मिलती है। उसी तरह से मैंने आपको बताया साइबर ग्रीन के केस में, साइबर ग्रीन क्या है कि एक स्पेसिफिक डाई है जो आपका सिग्नल देती है जब वो डीएनए में माइनर ग्रूव से जाके बाउंड कर जाती है नॉन स्पेसिफिकली, यानी कि डीएनए के अंदर जितना भी आपका माइनर ग्रूव होगा वहां वहां जाकर ये आपका जो है सॉरी ये मेजर ग्रूव है, ये माइनर ग्रूव है, दिस इज माइनर ग्रूव, जितना भी माइनर ग्रूव होगा वहां नॉन स्पेसिफिकली जाके ये आपका साइबर ग्रीन जो है बाउंड करेगा। जितना ज्यादा आपका डीएनए एम्पलीफाई होगा उतना ही ज्यादा साइबर ग्रीन जो है वो जाके माइनर ग्रुप में बाइंड करेगा और उतना ही इंटेंस आपको सिग्नल मिलेगा जब आप उस साइबर ग्रीन को एक स्पेसिफिक एक्साइटेशन स्पेसिफिक एक एक्साइटेशन लाइट से एक्साइट करेंगे और वो जो है उसी के रिस्पॉन्स में जो है आपको एक फ्लोरोसेंस भी देगा। तो यानी कि रियल टाइम में हम लोग उसको चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारा इसके बारे में दोनों के प्रिंसिपल के बारे में कि दोनों कैसे काम करते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाने के पूरे पूरे चांस है वो है सीटी वैल्यू क्या होती है। आप लोग जानते भी होंगे कि कितने लोगों ने भी कोविड टेस्ट कराया होगा रिसेंटली हमारा, तो सीटी वैल्यू के बारे में वो लोग जानते होंगे। सीटी वैल्यू क्या है एग्जैक्टली, सीटी स्टैंड फॉर साइक्लिक थ्रेशहोल्ड। अब ये साइक्लिक थ्रेशहोल्ड क्या है मैं आपको उसको समझाता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक कंडीशन हम लोग लेते हैं कि एक फ्लोरोसेंस आ रही है हमारी और फ्लोरोसेंस को डिटेक्ट करने के लिए हमारे डिटेक्टर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। लेट्स से मैं एक फिगर पर आपको लेकर जाता हूं, बाद में हम इस पे फिर से आएंगे। लेट्स से मेरा एक सैंपल है, आपके जो सॉल्यूशन है उसमें मेरे सैंपल हैं और मान लो मेरे बहुत सारे सैंपल हैं, मान लो 50 लोगों ने जो है आरटीपीसीआर के लिए टेस्टिंग के लिए सैंपल दिया है। 50 के 50 लोगों का मैंने क्या किया, सैंपल लेने के बाद उससे आरएनए आइसोलेट किया, आरएनए को मैंने सीडीएनए बनाया। अब मैं उस सीडीएनए को एम्पलीफाई कर रहा हूं। देखो जितना ज्यादा आरएनए होगा यानी कि जितना ज्यादा वायरस होगा उतना ही ज्यादा आपको आरएनए मिलेगा, उसी के रेशियो में आपको जो है सीडीएनए मिलेगा। आप उस सीडीएनए को एम्पलीफाई करोगे तो इनिशियली जितने भी आप मॉलिक्यूल ऑफ सीडीएनए यूज कर रहे होगे उसी के प्रपोर्शन में आपका एम्पलीफिकेशन भी होगा। मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी एक वायरस का एक सीडीएनए आपने यूज किया, एक सैंपल से एक सीडीएनए आपका था, दूसरे सैंपल से आपके मान लो 10 सीडीएनए थे और थर्ड सैंपल में आपके मान लीजिए 100 सीडीएनए थे। ये मैं एक जस्ट नंबर ले रहा हूं, ठीक है। तो अगर आप एक सीडीएनए से एम्पलीफाई करना स्टार्ट करेंगे तो एक साइकिल के बाद कितने सीडीएनए बने, दो, और दो साइकिल के बाद चार, चार के बाद उसी प्रपोर्शन में जो है आपके नंबर चेंज होते जाएंगे। और उसी तरह से अगर 10 सीडीएनए आपका था आपके पास में था, 10 से क्या होगा एक साइकिल के बाद 20, 20 के बाद 40, 40 के बाद उसी तरीके से प्रपोर्शन में जो है आपके नंबर जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे। तो जितना ज्यादा वायरस होगा उतना ही ज्यादा आपके पास 20 मॉलिक्यूल होगा आरएनए होगा, उतना ही अमाउंट में प्रपोर्शन अमाउंट में आपके पास सीडीएनए होगा। तो यही प्रपोर्शन अमाउंट में जब आप एक सेम स्टैंडर्ड पर इसको रन करोगे, ठीक है, और लेट्स से आप जो है एक साइबर ग्रीन जो है वो यूज कर रहे हो, तो मैंने क्या बताया कि साइबर ग्रीन जितना ज्यादा आपके सैंपल में सीडीएनए बनता जाएगा उतना ही ज्यादा साइबर ग्रीन जो है वो माइनर ग्रूव में डीएनए से बाउंड करता चला जाएगा और उसी प्रपोर्शन में आपको एक सिग्नल मिलता दिखाई देगा।
सिग्नल का भी एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है, यानी कि अगर इससे कम सिग्नल है तो उसको डिटेक्टर डिटेक्ट नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो उसको एक प्रॉपर सिटी वैल्यू में आप नहीं बोल सकते। ठीक है, तो लेट्स से मेरे पास चार सैंपल थे, चार सैंपल में से कुछ सैंपल में थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है वो 15 साइकिल के बाद आपको मिलने लगा, कुछ सैंपल में आपको 20 साइकिल के बाद आपको मिलने लगा, कुछ सैंपल में आपको 25 साइकिल के बाद वो मिलने लगा, ठीक है, और कुछ सैंपल में 30 साइकिल के बाद मिल रहा है। नाउ आप मुझे बताओ किस सैंपल में वो हमें जल्दी मिलेगा, कम साइकिल पे मिलेगा, जहां पर लोड ज्यादा होगा। ठीक है, तो यानी कि किस पर्टिकुलर सैंपल में थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है वो जल्दी आ जाएगी, जहां पर ऑलरेडी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनसे आपने स्टार्ट किया था वो ज्यादा रहे होंगे। ठीक है, तो अगर कहीं पर आपको 15 साइकिल के बाद एक थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्रॉस कर जाती है, यानी कि उस इंडिविजुअल की जो सिटी वैल्यू है वो 15 है, और सिटी वैल्यू 15 है, दूसरे इंडिविजुअल की लेट से 20 है, और तीसरे इंडिविजुअल की लेट से 25 है, तो इसमें से सबसे ज्यादा जो वायरल लोड रहा होगा वो 15 में रहा होगा। तो जितनी कम सिटी वैल्यू थी उतना हाई वायरल लोड था हमारा। ठीक है, मैं इसको रूही फिर से समझाता हूं एग्जांपल के तौर पर, देखो। ठीक है, लेट से मेरे पास चार सैंपल है, ठीक है, चार सैंपल से मैंने आरएनए आइसोलेट किया, तो जितना ज्यादा लोड उस वायरस का उन सैंपलों के अंदर होगा उतना ही ज्यादा मेरे पास आरएनए होगा, और उसी प्रपोर्शन में मैं एक सीडीएनए सिंथेसाइज कर रहा हूं, सेम रिएजेंट मैंने चारों सैंपल में यूज किए, सेम अमाउंट ऑफ रिएजेंट मैंने यूज किया, जितना ज्यादा बेस मॉलिक्यूल होगा उतना ही ज्यादा मुझे सीडीएनए मिलेगा, और जितना ज्यादा मेरा सीडीएनए है जब मैं उसको एम्पलीफाई करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है, तो मान लो किसी एक साइकिल में शुरुआत हुआ 10 मॉलिक्यूल से, दूसरे में 100 मॉलिक्यूल से, और तीसरे में 1000 मॉलिक्यूल से। ठीक है, हमें फ्लोरोसेंस तब मिलेगी जब एक प्रॉपर ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ साइबर ग्रीन जो है वो डीएनए में माइनर ग्रू से जाके बाउंड करेगा, जितना ज्यादा डीएनए उतना ज्यादा माइनर ग्रू, उतना ही ज्यादा साइबर ग्रीन जाके बाउंड किया। ठीक है, हमारे क्लियर क्लियर। अब मैंने उसको एम्पलीफाई करना स्टार्ट किया, जहां पर मेरा शुरुआत 1000 बेस मॉलिक्यूल से हुई है वहां पर कुछ ही साइकिल के बाद अमाउंट ऑफ डीएनए उसी प्रपोर्शन में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, रेदर देन जहां पर 500 मॉलिक्यूल बेस मॉलिक्यूल थे या 10 बेस मॉलिक्यूल थे या 5 बेस मॉलिक्यूल थे। ठीक है, तो कम ही साइकिल में मुझे वहां पर ज्यादा फ्लोरोसेंस आने लगेगी, और जब ज्यादा फ्लोरोसेंस आने लगेगी तो वही वाला सैंपल बहुत जल्दी थ्रेशोल्ड लेवल को पार कर जाएगा। ठीक है, जैसे यहां देखो एक और फिगर है, जैसे मान लो जो है हमारा एक सैंपल था जिसमें नेगेटिव सैंपल था, जिसमें कुछ था ही नहीं, उस केस में हमें जो है थ्रेशोल्ड वैल्यू जो अगर मिली क्रॉस होने तक बहुत 50-60 साइकिल के बाद मिलेगी, 25-30 साइकिल के बाद हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन जहां पर आपका वायरल लोड ज्यादा था, यानी कि बेस मॉलिक्यूल आपका शुरुआत का ज्यादा था, वहां पर आपको जल्दी ही थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है आपके फ्लोरोसेंस की वो क्रॉस होती दिखाई देगी। तो पीक जितना जल्दी आएगी किसी सैंपल की, यानी कि उसमें जो बेस मॉलिक्यूल था, उसमें जो सीडीएनए था या एमआरएनए का जो लेवल था वो उतना ही हाई था। ठीक है, तो ये चीजें हैं हमारी जो इसमें काम में आती है। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से जितना कम सीटी वैल्यू होगा उतना ही ज्यादा पर्टिकुलर वायरस का लोड होगा, या जो भी हम लोग डिटेक्ट करना चाह रहे हैं। सीटी वैल्यू जल्दी आने का मतलब वो जीन, या तो मान लो मैं एक सेल के अंदर ये चेक कर रहा हूं कि भाई मेरा ये पर्टिकुलर जीन जो है दो सैंपल में किसमें ज्यादा एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है, तो जिस पर्टिकुलर सेल के अंदर वो आरएनए का लेवल ज्यादा हाई होगा, उसी केस में हमें जो है जल्दी ही थ्रेशोल्ड लेवल को क्रॉस करने वाली फ्लोरोसेंस मिल जाएगी, यानी कि सीटी वैल्यू हमें कम मिल जाएगी। लेकिन अगर वहां पर वो एक्सप्रेशन कम हो रहा होगा तो हमें सीटी वैल्यू थोड़ा लेट जाके मिलती है। ठीक है, तो दिस इज द प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल, जितना कम सीटी वैल्यू होता है उतना ही हाई एक्सप्रेशन होगा उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का, या सैंपल में आपका बेस मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा जो है आपका प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक है, चलिए, तो सीटी वैल्यू के बारे में मैंने आपको क्या बताया, सीटी वैल्यू क्या है, साइकिल थ्रेशोल्ड है, इट डिफाइंस द नंबर ऑफ साइकिल रिक्वायर्ड फॉर फ्लोरोसेंस सिग्नल टू क्रॉस द थ्रेशोल्ड। ठीक है, क्लियर, और वो उसका डायरेक्टली इन्वर्सली रिलेशन होता है अमाउंट ऑफ टारगेट न्यूक्लिक एसिड से, जितना ज्यादा न्यूक्लिक एसिड होगा उतना ही कम आपको सीटी वैल्यू मिलता है। ठीक है, और यूजुअली हम लोग 30 के बाद या 30 के बाद जो है सीटी वैल्यू को कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि उस केस में हमें जो है कुछ नॉन स्पेसिफिक सिग्नल भी जो है आने लगता है। तो ये था हमारा इस आरटीपीसीआर के बारे में बेसिक चीजें, मैंने आप लोगों से सारी डिस्कस कर ली है। ठीक है, चलिए,
इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करता हूं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल अगर आप हमारा फॉलो करते हो तो यू विल गेट एग्जाम अपडेट ऑन रेगुलर बेसिस, डेली पीडीएफ आपको मिल जाते हैं, डेली सेशन अपडेट आपको मिल जाते हैं और डाउट रेजोल्यूशन भी आपको ऑन टाइम मिल जाता है। ठीक है, आप पेड स्टूडेंट हो या नहीं भी हो। ठीक है, सीएसआईआर लाइफ साइंस के लिए बायजूस जो है आपको दो लैंग्वेज में कोर्स प्रोवाइड करता है, इंग्लिश और बायलिंगुअल। ठीक है, जहां पर आपको 400 प्लस लाइव क्लासेस मिलती है, 20 प्लस यूनिट वाइज पीडीएफ आपको मिलते हैं, 50 प्लस मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, 3000 प्लस आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको डेली स्टडी प्लान, मॉक टेस्ट मिल जाता है, इंस्टेंट डाउट रिजोल्यूशन आपका हो जाता है और प्रीवियस ईयर के सारे सोल्ड क्वेश्चन पेपर आपको जो है टाइमली मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है। ठीक है, तो ये था आज की सारी क्लास के बारे में। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।